हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं इस रैकेट का रिव्यू करने वाला हूँ। इस रैकेट का नाम है यूनिक 7771 लाइट। तो अगर इस रैकेट की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो रैकेट आपको 5U यानी कि 75-78 ग्राम का देखने को मिलेगा। इस रैकेट का जो एग्जैक्ट वेट है, इस रैकेट का वेट है 77 ग्राम। और अगर इस रैकेट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो रैकेट आपको स्टिफ फ्लेक्स में देखने को मिलेगा। और इस रैकेट की जो स्ट्रिंग टेंशन है, बहुत ही अच्छा इस रैकेट का स्ट्रिंग टेंशन दिया है। इस रैकेट का जो स्ट्रिंग टेंशन है वो आपको 22-30 LBS यानी कि 22-30 LBS। जो इस रैकेट का मैक्स स्ट्रिंग टेंशन है वो 30 LBS है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये जो रैकेट है बेस्ट सुटेबल है इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए जो फास्ट रैली खेलना पसंद करते हैं। तो इस रैकेट में जो आपको हेड शेप देखने को मिलेगा, ये ऑब्वियसली आपको आइसोमेट्रिक देखने को मिलेगा। और जिस रैकेट का फ्रेम है, यानी कि जो रैकेट का फ्रेम है, आपको एरोडायनेमिक फ्रेम में देखने को मिलेगा। और इस रैकेट का अगर बैलेंस की बात की जाए तो इसमें आपको हेड लाइट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हेड लाइट रैकेट होते हैं वो होते हैं फास्ट रैली के लिए। तो इसमें आपको हालांकि उतना पावर शॉट देखने को नहीं मिलेगा, बट ये रैकेट जो है स्टिफ फ्लेक्सिबल होने की वजह से इस रैकेट में आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और इस रैकेट में आपको अगर स्पीड गेम खेलना पसंद है तो आपको ये रैकेट काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर इस रैकेट की, जैसे कि मैंने आपको वेट बताया, इस रैकेट का वेट है केवल 77 ग्राम। तो अगर आप हल्का रैकेट से खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए रैकेट काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अगर इस रैकेट की ग्रिप साइज़ की बात की जाए तो ऑब्वियसली आपको G4 में देखने को मिलेगा। तो G4 होने की वजह से अगर आपके हाथ जो है ज़्यादा, अगर चौड़ा नहीं है, अगर आपका हाथ नॉर्मल ही है, तो आपको पकड़ने में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसमें। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक हल्का रैकेट मिले जिससे आप फास्ट गेम खेल सको, तो आप इस रैकेट की तरफ जा सकते हो। और अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो आप इसलिए इस रैकेट को खरीदो और आपको काफ़ी अच्छा इसे खेलने में मज़ा आएगा। और इस रैकेट की अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 1800 से 2000 के बीच में मिलेगा। सो आई होप अभी मैं आपको क्लियर किया होगा कि इस रैकेट को किसे खरीदना चाहिए और इस रैकेट से किसको खेलना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।